हेलो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम कैसे किया जाता है अपने फ़ोन से। तो गाइस आज हम टर्निप ऐप से फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम करूंगा। तो गाइस इस वीडियो में हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल देखेंगे कैसे अपने टर्निप ऐप से फेसबुक पेज पे आप कैसे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और दोस्तों टर्निप ऐप आपको सिंपली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सिंपली अगर आप सर्च करेंगे टर्निप ऐप बोल के तो काफ़ी आराम से अपने प्ले स्टोर पर मिल ही जाता है। तो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्टली मोबाइल के होम स्क्रीन पर आकर टर्निप ऐप को ओपन करूँगा लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने से पहले। और फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर टर्निप ऐप को ओपन करना है। टर्निप ऐप को जैसे अपने फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटअप करना होता है। तो सेटअप में हम टच करेंगे। सेटअप में टच करते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा गेम लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो। मैं फ्री फायर मैक्स गेम को लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो यहाँ पर फ्री फायर मैक्स गेम को सिलेक्ट किया हूँ। अगर आपको यहाँ पर गेम नहीं मिल रहा है तो आप मोर ऑप्शन पर भी टच करके भी आप अदर्स गेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होता है फिलिंग। फिलिंग आप क्या देना चाहते हो, मैं यहाँ पर एक्सेलेंट फिलिंग दे देता हूँ। उसके बाद नीचे यहाँ पर पूछ रहा है क्या स्लो में खेलना चाहते हो या स्क्वाड में, मैं यहाँ पर स्लो में सिलेक्ट किया हूँ। और इसके बाद इंग्लिश जो भी अपना लैंग्वेज है, आप हिंदी इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, मैं फिलहाल इंग्लिश में सिलेक्ट किया हूँ। सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है दोस्तों। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट स्ट्रीम इन्फो में हम टच करेंगे। तो गाइस अभी बात आता है यहाँ पर लाइव स्ट्रीम का जो टाइटल आप क्या रखना चाहते हो। तो फिलहाल मैं एग्जांपल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, तो टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए जो भी यहाँ पर टाइटल आया है मैं इसी टाइटल को रखूँगा। फिलहाल आप चाहे तो थोड़ा मोड़ा यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। जो जिस गेम को लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो उसी गेम को ही आप टाइटल रखिए ज़्यादातर खास करके। और गाइस इसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आप बहुत सारा फ्रेंड लोग पेटीएम नंबर वगैरह रख देता है। इसके बाद ये भी बोलता है लाइक करो शेयर करो, तो ये सब भी आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप चाहे तो आप लिख सकते हो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऐड थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहेंगे आपके लाइव स्ट्रीम में जो भी अच्छा खासा एक थंबनेल लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पर आप टच करके एक अच्छा खासा थंबनेल भी यहाँ से लगा सकते हो। फ्री फायर थंबनेल यहाँ पर लगा देता हूँ। तो उससे ये रहा फ्री फायर के एक थंबनेल, तो मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ फ्री फायर के एरोप्लेन में उठ रहा है, तो ऐसा कुछ थंबनेल यहाँ पर दे दिया हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रीम पे सेटिंग पे आपको टच करना है। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा क्वालिटी, तो क्वालिटी में यहाँ पर 780 रखता हूँ क्योंकि HD क्वालिटी रहेगा। आप चाहे तो आपके इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा है या फास्ट है, आप चाहे तो 1080 भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ यहाँ पर प्राइवेट स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है, अगर आप इसको टिक मार्क लगा दे तो आपकी जो स्ट्रीम है ये प्राइवेट हो जाएगा। फिलहाल मैं इसको अनटिक करूँगा क्योंकि पब्लिक रहने देता हूँ। और यहाँ पर मिलता है आपको स्ट्रीम मोड। स्ट्रीम मोड बोले तो जैसे ही दोस्तों अपने गेम को प्ले करेंगे तो मोबाइल ऐसे ही मतलब रूटेड के जैसा हो जाएगा, तो यहाँ पर लैंड्स मोड भी आप सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नीचे और एक ऑप्शन होता है वॉच प्रीटी, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपको सबसे फाइनल यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर स्ट्रीम को ऑन कहाँ पर ऑन करना चाहते हो, क्या फेसबुक पे ऑन करना चाहते हो या यूट्यूब पे या ट्विट पे। तो मैं फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम करूँगा, तो इसलिए यहाँ पर फेसबुक का जो ऑप्शन है सिंपली ये जो बटन है इसी बटन को हम टोटली ऑन कर देंगे। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है यूज कैंसिलेशन दिखा, तो ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आपके साथ दिखा रहा है तो क्या करना है वही मैं देख रहा हूँ। लेकिन मैं फेसबुक में टच करता हूँ लेकिन फेसबुक योर यूजर कैंसिलेशन। तो गाइस अभी ये जो फेसबुक है मेरे को फेसबुक जो कि ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाते हैं और फेसबुक ऐप को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये रहा फेसबुक को मैंने फेसबुक लाइट को डाउनलोड किया था, तो शायद यहाँ पर नहीं होगा। तो फेसबुक बड़ा वाला फेसबुक को सबसे पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर बड़ा वाला जो फेसबुक है हमने ओपन कर लिया, तो इसको हम ओपन करेंगे। तो फटाफट इसमें हम लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमने फेसबुक को ओपन कर लिया हूँ, अभी बड़ा वाला फेसबुक को ओपन कर लिया हूँ। तो अभी हम टर्निंग ऐप में जाएंगे और यहाँ पर हम फेसबुक का जो बटन है इसको हम ऑन करेंगे। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो जैसे ही मैंने बड़ा वाला जो ऐप है फेसबुक का उसको हमने ऑन डाउनलोड किया हो और लॉगिन कर लिया हो, तो अभी देखो कितना आसानी से यहाँ पर जो कि ओपन हो चुका है। तो अभी यहाँ पर कंटिन्यू स्टार्ट करो जो भी हमारा अकाउंट है वो डेडिकेट कर लिया है, तो यहाँ पर हम सिंपली हम वही अकाउंट में हम टच करके यहाँ पर श्योर करेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू स्टार्ट ग्रुप पर हम टच करेंगे, गुरु स्टार्ट में हम टच किया हो। तो दोस्तों मेरे प्रोफाइल में जितने भी सारा यहाँ पर फेसबुक पेज है यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रीम गुरुजी वाला पेज पे हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो स्ट्रीम गुरुजी वाला पेज पे हम सिलेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर टोटली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी आराम से यहाँ पर आ चुका है। अभी इसके बाद सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रीम प्रीव्यू में हम टच करेंगे, और नेक्स्ट स्ट्रीम प्रीव्यू में टच करते हैं यहाँ पर यूजिंग द ऐप, तो इसको हम ओके में क्लिक करेंगे, ओके में क्लिक करेंगे। तो और एक बार यहाँ पर देख सकते हो फाइनली यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीम लिख के आ रहा है, तो मैं और एक बार स्टार्ट स्ट्रीम पर हम टच करेंगे।
तो दोस्तों स्टार्ट स्ट्रीम पे जैसे हमने टच किया तो अभी यहाँ पर डिस्प्ले ओवर अदर्स ऐप दिखा रहा है। तो यहाँ पर टर्निंग ऐप में हम जाएंगे तो इसी जो बटन है इसी बटन को ऑन कर देंगे और एक बार बैक कर देंगे और एक बार बैक करेंगे तो अभी और एक बार यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीम पे हम टच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परमिशन मिसिंग दिखा रहा है तो इसको हम इनेबल नाउ पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो होम शॉर्टकट इसको हम सिंपली हम ऑन कर देंगे, अलाउ कर देंगे और बैक कर देंगे। और दोस्तों इसके बाद सिंपली और एक बार यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीम पे हमें टच करना है और स्टार्ट स्ट्रीम पे टच करते यहाँ पर दिखा रहा है स्टार्ट नाउ और स्टार्ट नाउ पे हम टच करेंगे। और दोस्तों स्टार्ट नाउ पे हमने जैसे ही टच किया तो यहाँ पर ग्रेना फ्री फायर गेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन हो रहा है। तो फाइनली यहाँ पर लाइव स्ट्रीम अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ है अपना फेसबुक पेज पे। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं बबल है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी बबल पे जैसे ही हम टच करेंगे तो हमारा फेसबुक पेज पे लाइव स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर गेम कोड प्रॉपरली ओपन हो जाएगा उसके बाद ही हम लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा ऐड आ रहा है तो ऐड को मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे को जो कि हाथ पड़ गया है यहाँ पर जो बबल है बबल भी एक बार हाथ पड़ गया है तो यहाँ पर लाइव स्ट्रीम भी हमारा फेसबुक पेज पे स्टार्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों हमने यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फेसबुक पेज पे जाऊँगा मिनिमाइज करके और फेसबुक पेज में देख रहा हूँ कि लाइव स्ट्रीम हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर फेसबुक पेज पे आया हूँ जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो लाइव स्ट्रीम हो रहा है फ्री फायर मैक्स। तो यहाँ पर सिंपली थोड़ा मैं यहाँ पर गेम प्ले को कर लूँगा फिर उसके बाद हम ये जो गेम प्ले है फ्री फायर मैक्स हमारा फेसबुक पेज पर जो गेम प्ले का जो मूवमेंट है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको दे दूँगा कैसा आपको सुनने को मिल रहा है कैसा आपको देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा मैं गेम प्ले करूँगा और उसके बाद आपको लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पर मैंने गेम प्ले भी कर लिया हूँ और यहाँ पर लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करने के लिए बबल पे टच कीजिए। बबल पे जैसे आप टच करेंगे यहाँ पर स्टॉप ऑप्शन आ जाएगा और ओके में सिलेक्ट कीजिए। सिंपल आपकी जो स्ट्रीम है यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको बैक कर देना है और मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और बैक करके गेम को भी यहाँ से बंद करता हूँ। अभी मैं फाइनल यहाँ पर फेसबुक पेज पर आऊँगा। फेसबुक पेज पर आके मैं देखता हूँ कि हमारी जो लाइव स्ट्रीम है कैसा हुआ है या ना है। तो गाइस सबसे पहले हम फेसबुक को ओपन करेंगे और हम पर हमारा जो फेसबुक पेज है फेसबुक स्ट्रीम गुरुजी फेसबुक पेज पे हम आएंगे और यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो भी हमने लाइव स्ट्रीम किया हो वही लाइव स्ट्रीम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा काफ़ी आराम से। थोड़ा टाइम आपको लेट हो सकता है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इस तरह से काफ़ी आराम से अपने फेसबुक पेज पे आप टर्निप ऐप के द्वारा आप काफ़ी आराम से अपने मोबाइल से ही आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आएंगे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल पे नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। और कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है और भी किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बोल सकते हो गाइस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।